As you can see, it is pretty dark right now. The time is around 3:40. हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं. हडिम्बा टेम्पल रोड से हम लोग नीचे वॉक करते हुए आए. मैंने कैबी को बोला था कि हम लोग को होटल से पिक कर ले, बट दिस गाइज फ्रॉम लद्दाख एंड ही इज़ नॉट फेमिलियर विद द रोड्स. लाइक ठीक है, सामान ला के ड्रॉप कर दूंगा मैं रात को एंड बाकी मैं वॉक करके आ जाऊँगा. तो कल रात को हम लोग के पास जो स्कूटी थी उन्होंने सामान वहाँ ड्रॉप कर दिया, इसीलिए हम लोग अभी सुकून से चलते हुए जा रहे हैं. एक छोटा सा फुट ट्रेल था सीढ़ियों से हडिम्बा टेम्पल के यहाँ पे, वो लिया. मैप पे ऐसा ठीक ठाक लग रहा था, बट उधर पे गया ना तो फुल क्रेजी ऐसा, एकदम फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के बीच में, मतलब स्पूकी थोड़ा सा था. बट ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. अभी हम लोग आ गए नीचे साइड पे, अब सीधा वॉक करते हुए हम लोग मॉल रोड के यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहाँ पर जाएंगे एंड विल बी पिकिंग अप द फेलो पैसेंजर्स and then we'll be leaving. We have now left from the mall road. The walk was pretty scary because of the dogs and the darkness, but ठीक है, we were able to pull it off. Approximately we have covered 10 kilometers and now we will be reaching towards Atal Tunnel. And this is our cab. It's an Innova, so it is pretty spacious. सामान आन पूरा आ चुका है. And we have left pretty early. अभी कुछ 5 बज रहे हैं. हम लोग 4:30 बजे तक हम लोग निकल चुके थे. इट इज़ बेटर दैट वी लेफ्ट अर्ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है. जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा ये पूरा रास्ता ट्रैफिक से जाम रहेगा. नाउ वी आर अबाउट टू अप्रोच अटल टनल. आपने वो कल वाले वीडियो में तो देख ही लिया रहेगा. फाइनली वी हैव रीच द सदर्न पोर्टल ऑफ अटल टनल. यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम है, हम लोग जाएंगे थोड़ा सा फ्रेश होंगे एंड फिर यहाँ से हम लोग अभी अटल टनल से बाहर निकल. वी आर गेटिंग आउट ऑफ नॉर्थ पोर्टल. मॉर्निंग इज इन अटल टनल. सो यहाँ से ले 396 किलोमीटर्स और हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है लेफ्ट. तो सीसू हम लोग क्रॉस करेंगे अभी. टांडी एंड टांडी में आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलता है. उसके बाद आपको अराउंड 300 सम किलोमीटर्स यू हैव टू ड्राइव ऑल अलोन विदाउट एनी पेट्रोल पंप. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू दिस रोड, मेक श्योर यू हैव इनफ पेट्रोल एंड जस्ट मेक श्योर यू डू द कैलकुलेशंस राइट, ताकि आपके पास इनफ पेट्रोल रहे. अभी हम लोग पहुँचे केलोंग. वी आर नाउ एट केलोंग एंड एक छोटा सा लोकेशन है जहाँ हम लोग आए. बहुत ज़ोर से वॉशरूम लगी थी एंड एक छोटा सा होटल था जहाँ पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट करे. And look at the view, guys. It is so beautiful, yeah. मतलब नीचे valleys, ऊपर mountains, उसके ऊपर snow. Crazy, crazy it is. Ooh, and it's pretty chilly. I'm gonna be wearing gloves now. अभी gloves पहनूंगा. Finally, the sunrise. It is around 6:20 AM. केलोंग में fresh होने के बाद हम लोगों ने रात को थोड़ी सी sandwich ले ली थी, तो वो हमने खा लिया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है. And the road is pretty dope. पहाड़ है, पहाड़ के कॉर्नर पे ये रोड है और दूसरी साइड खाई है. खाई के नज़ारे कुछ अलग ही है. यहाँ से जिसपा कुछ 16 किलोमीटर है. रास्ते जो है ना इतने खूबसूरत है ना और इतने परफेक्ट कंडीशन में ना, मतलब अभी तक ना हम लोग को बस 2 से 3 छोटे छोटे ऐसे पैचेस मिले, बस वो भी एकदम छोटू से थे, मतलब हार्डली 5-10 मीटर के पैच. बाकी पूरा रोड एकदम मक्खन है. जिसपा में आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा डिस्टेंस कवर के लिए. अभी 7 बज गए, हम लोग जिसपा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. अब यहाँ से ऊपर दालचा आएगा, दालचा से सलचू, सलचू से ले लद्दाख. लुक एट द ब्यूटी ऑफ जिसपा. यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे स्टे के ऑप्शंस मिल जाते हैं. यू गेट होम स्टेज, यू गेट कैंप, यू गेट टेंट्स. तो मतलब अच्छे खासे बजट वाले भी ऑप्शन हैं एंड एक्सपेंसिव वाले भी ऑप्शन हैं. अब इसके आगे हम लोग दालचा से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे जिंगजिंग बार और जिंगजिंग बार से आगे बालालाचला. और बालालाचा के बाद हम लोग फिर निकलेंगे सलचू के लिए. सलचू जो है, इट इज़ एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड लद्दाख. दिस ब्रिज इज प्रीटी बिग. पीछे ऐसा लिखा हुआ था कि दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज अक्रॉस लाहौल एंड स्पिटी.
just visited Dacha Bridge, which is longest bridge of Himachal Pradesh. Wow. Dacha Bridge cross करने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके हैं. यहाँ पे एक छोटी सी check post है. ये side पे ना you have this small cafe. तो हम लोग cafe में थोड़ा सा कुछ खाएंगे अभी. And then we will move ahead to Bara Lachla. Last time मैं जब मनाली आया था ना मेरा ड्रीम था बारा लाचला जाने के लिए, क्योंकि मेरे को एक्चुअली बर्फ़ को फील करना था. एंड टुडे होपफुली बारा लाचला में बर्फ़ मिल जाएगी. दिस दाचा, तो ये जो कैफ़े दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे मेरे ना बहुत एसिडिटी फील हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कोल्ड मिल्क लिया एंड उसको पी लिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. कप वॉज लाइक 30 रुपीज़ कप एंड मैंने दो इनो के पैकेट ले लिया, 10 रुपये के दो इनो ले लिया. आगे जाके अगर ज़्यादा वापस से मेरे को एसिडिक फील हुआ तो मैं थोड़ा पी लूँगा. एंड यहाँ पे यू गेट सम स्नैक्स, मैगी, सब्जी, आलू पराठे. तो इफ़ यू आर हियर एट दाचा एंड इफ यू वांट टू ईट समथिंग, यू हैव दिस कपल ऑफ कैफेज ओवर हियर. दिस इज द फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग ऑन द मनाली लेह हाईवे. अब हम लोग पहुँचेंगे जिंगजिंग बार और जिंगजिंग बार से बारा लाचला. जिंगजिंग बार के यहाँ पे यू हैव दिस स्मॉल लेक विच इज़ दीपक ताल. नॉट ए ह्यूज लेक, छोटी सी लेक है. एंड आगे बारा लाचा के इधर पे वी गेट टू सी सूरज ताल. दीपक ताल पास करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए जहाँ पे यू सी दिस स्नो कैप्ड माउंटेंस अलॉन्ग विद दैट यू सी दिस ह्यूज माउंटेंस. ऐसे लग रहा है ये सैंड के माउंटेंस है, सैंडी माउंटेंस. जिंगजिंग बार नाउ. अब यहाँ से ऊपर रास्ता गया है. मेरे को पहले लगता था जिंगजिंग बार इज एक्चुअली अ बार, बट इट इज़ नॉट, इट्स अ प्लेस, इट्स अ घाट है. तो ऐसा ऊपर साइड पे जाएंगे एंड यू कैन सी द स्नो अक्रॉस द रोड. वाओ. गाड़ी पूरी स्नो के बाजू से होते हुए जा रही है. Finally, we are not exactly at Bara Lacha, but very close to Bara Lacha, and you can see we are at the snow. Not this is not the fresh snow, but theek hai, snow to snow hai. Wow, the beauty is like spectacular. Gaadi wahan pe khadi hai. Ye pura snow se clad mountain hai. लाइफ में पहली बार मैं किसी स्नो के माउंटेन पे खड़ा हूँ. फीलिंग सो हैप्पी एंड सो फुलफिल्ड. पता है इट्स प्रीटी स्लिपरी. वी प्रॉमिस द ड्राइवर कि हम लोग 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे. इट्स प्रीटी ऑसम यार. ये ऊपर पूरा फ्रेश स्नो है और ये कैसा ना थोड़ा जमा हुआ स्नो है, तो ऐसा ऐसा फ्रोजन. मैं मुँह से दुआ नहीं कर रहा है. चलो निकलते हैं. चलो गाइस, द एंटायर माउंटेन इज स्नो क्लैड. फोन नंबर पूछ के चला आज तो वो तुम चना फोन डाला फोन दिया एनी में कुछ नहीं है. हम लोग उन में थप चाहते हैं. हम चाहते ये जो ये मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा था और फोटोज में देखा था, ऐसा दोनों साइड पे बर्फ और बर्फ के बीच में से गाड़ी जा रही है. सूरजताल लेक करंटली इट इज फ्रोजन. हल्का फुल्का सा बस मोल्टन है. रोड इज प्रीटी ट्रिकी, पूरा ऑफ रोड है एंड यहाँ से लैंडस्लाइड होने का भी डर है. हर जगह पे वाइट एंड वाइट पता है. एंड ये स्नो देख के पता है हम लोग के मुंह से क्या निकल रहा है. वो वाओ. मनाली ले हाईवे पे ना और लद्दाख के रीजन में ना पब्लिक सबसे ज़्यादा बोलने वाला अगर कोई वर्ड है तो वाव है. व्यू इतना खूबसूरत है ना, कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा. ऑफिशियली अपने नंगे हाथों से बर्फ को छू रहा हूँ.
Chachla, altitude 4850 meters. Finally, I can't tell you how happy I am. Woo! से पास से अभी हम लोग निकलेंगे. हमने थोड़ा सा बस उछल कूद किया, थोड़े से फोटोज निकाले, थोड़े से वीडियोस निकाले, बट मेरी सांस तो फूलने लग गई. इट इज बिकॉज ऑफ AMS acute mountain sickness and altitude पे जाने के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी रहती है. तो ट्राई एंड मेक श्योर यू डोंट डू फिजिकल एक्सर्जन, मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें. ये सब पासिस पे ना ऑक्सीजन बहुत कम रहता है. सो इट इज़ बेटर यू टेक सम फोटोज, स्पेंड लाइक 5-10 मिनट्स एंड देन गो डाउन. सरचू में, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का बॉर्डर है. एज यू कैन सी देयर लॉट्स ऑफ स्टे ऑप्शन ओवर हियर. यहाँ पे चेक पोस्ट है, ये अपना हिमाचल का चेक पोस्ट है, आगे जाके लेह का चेक पोस्ट रहेगा. दिस इज द लद्दाख चेक पोस्ट. सरचू के चेक पोस्ट से हम लोग वहाँ से ऐसा घूम के आए एंड यहाँ पे लेह का चेक पोस्ट है. यहाँ से लेह का बॉर्डर स्टार्ट. वी आर नाउ एट सरचू. यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, गैस्केट रेस्टोरेंट, जहाँ पे यू गेट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड यू ऑल्सो हैव रूम्स. दिस आर द स्टिकर्स ऑफ द पीपल हु हैव कम हियर. एंड पीछे वॉशरूम है, अभी मैं सबसे पहले वॉशरूम में जाऊँगा. एक दाल चावल कर दो और एक पराठा बोलो. पराठा, एक आलू पराठा. लोकेशन इज क्वाइट ब्यूटीफुल. यहाँ पे यू गेट टू ईट समथिंग. प्राइसेस आर प्रीटी रीजनेबल. मैगी कुछ 50 की है, पराठे 60 रुपए के है, दाल चावल 120 का है. माँ कसम, मतलब सेम मनाली वाला प्राइस है. पहाड़ों के बीच में ये प्राइस मिलना, आई एम शॉक्ड. ये अपनी मैगी आ गई है, ये अपना दाल राइस, इनफैक्ट दिस इज राजमा राइस, और एक आलू पराठा हम लोगों ने बोला है. तो या ये आ गई अपनी चाय, ये उसके साथ में आलू पराठा, केचप, और ये मस्त में अच्छा. नीचे का जो घाट वाला एरिया है ना, दिस इज़ द फेमस घाटा लूप्स. इट इज़ फेमस फॉर इट्स 21 हेयर पिन बेंड्स. हम लोग घाटा लूप्स के एकदम टॉप पे जा रहे हैं. लुक एट द माउंटेंस. मैं काफ़ी अच्छी नींद आई थी. फाइनली हम लोग पांग पहुँचे. सरचू के बाद रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है ना, क्या बताओ. आई थिंक वी आर हिट बाई एक्यूट माउंटेन सिकनेस, मैं भी और मेरी पार्टनर भी. हम लोग को थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो रहा था और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था. सो वी जस्ट वेंट टू स्लीप, वी हैड सम वाटर एंड कंटिन्यूसली एक डेढ़ घंटे हम लोग ना मजबूत सोए. एंड फिर अभी यहाँ पे पांग आने के बाद ड्राइवर ने उठा दिया. वी हैड दाल राइस ओवर हियर विच कॉस्ट 50 रुपीज़ एंड कुछ बाइकर्स थे जो लोग लेमन टी पी रहे थे, तो मैं बोला हाँ शायद लेमन टी अच्छी होगी. तो लेमन टी लिया विच इज़ लाइक 50 रुपीज़ एंड थोड़ा सा मिल्क लिया, सादा ठंडा दूध, क्योंकि एसिडिटी थी तो मिल्क से कैसा थोड़ा अच्छा रहता है. तो दैट कॉस्ट लाइक 50 रुपीज़. What I'll suggest is when you are coming to the mountains, make sure you carry a Vaseline or a moisturizer for your face and your hands and your lips. क्योंकि ले यहाँ पे ना क्लाइमेट इतना ड्राई हो जाता है ना कि आपको फेस पे ना मतलब ड्राइनेस फील होती है. अदर बिट कैरी सनस्क्रीन, के लिए यहाँ पे ना डायरेक्ट धूप होती है. कैरी डायमोक्स विच इज़ अ सेफ्टी ऑक्सीजन टैबलेट, वेर इन इफ यू गाइज आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट माउंटेन सिकनेस और ब्रेथलेस, यू कैन टेक अ डायमोक्स. कैरी गुड वार्म क्लोथ्स, कैरी शूज़, गुड पेयर ऑफ सॉक्स, ग्लव्स, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट का कोई भी भरोसा नहीं है. इतनी ज़्यादा ठंडे नहीं है बट फिर भी मैं ग्लव्स पहन के बैठा हूँ. अब भी जाके मैंने मुँह धोया, द वाटर वॉज कम्प्लीटली आइस कोल्ड, मतलब इतना ठंडा पानी मेरे हाथ फ्रीज हो गया, बट स्टिल आई एक्चुअली वॉश माई फेस एंड काफ़ी अच्छा लगा. अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे ले के लिए. अभी जो टाइम हो रहा है इट इज़ अराउंड 2:37, सो वी आर होपिंग विल रीच ले बिफोर 6 o'clock. अब लेट्स सी हाउ इट गोज. अब यहाँ से जो रास्ता है ना, यहाँ से मोरे प्लेन स्टार्ट होगा. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ मोरे प्लेन्स? बीच में से रास्ता गया, आजू बाजू बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, पूरा प्लेन वैली है. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ नेक्स्ट लेवल. आई हैड अ वर्ड विद द ड्राइवर, आई वॉज आस्किंग हिम कि मोरे प्लेन्स कब आएगा, तो ही डिडंट नो व्हाट इज़ मोरे प्लेन्स. दे कॉल इट बाय सम डिफरेंट नेम, क्या छुआ
Chua planes or something. So now the Mole planes will start, which is a stretch of, I guess, 50 kilometers. Majboot stretch hai. But do not overspeed if you are on a bike. Rasta ka kuch bharosa nahi hai. So make sure safety comes first. Abhi hum log niklenge yahan se. Everything is done. Payment is done. And baithenge abhi cab mein. And we'll move towards Leh. This is the restaurant जहाँ पे हम लोग रुके थे। स्नो के बाद जिस चीज़ का मेरे को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था ना, और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हाइप थी, वो है मोरे प्लेन्स। और जैसा कि मैंने बताया ना, मोरे प्लेन्स की खासियत ये है कि बीच में रोड है, आसपास पूरी वैलीज है, मतलब प्लेन लैंड है, एंड उसके आसपास और बड़े बड़े माउंटेन्स है। तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल ना, ये क्या बताऊँ। Look at its beauty, yaar. क्या प्यारा है यार, मतलब जो फोटोज में देखा था, जो वीडियोज में देखा था, इट इज वे टू ब्यूटिफुल देन दैट। एज यू कैन सी, बीच में रास्ता गया है एंड आस पास माउंटेन्स एंड वैलीज। क्रेजी यार, क्रेजी। पूरा डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट। उसके पीछे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, उनका टॉप पोर्शन स्नो से कवर्ड है, बाकी नीचे का पूरा डेजर्ट एरिया। टेम्परेचर इज प्रीटी डिसेंट। धूप में रहोगे तो आपको जैकेट वैकेट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप छाव में चले गए ना, अगर क्लाउडी है तो फिर आपको हाँ जैकेट वैकेट पहनना पड़ेगा। मेरा सर दर्द दे रहा है बिकॉज ऑफ AMS। मोरे प्लेन्स का जो स्ट्रेच है ना, इट इज़ अराउंड 50-60 और किलोमीटर। तो आप सीधा राइड करते हुए जा सकते हो। अगर नेटवर्क की बात करें ना, यहाँ पे नेटवर्क प्रीपेड का चलता ही नहीं है। सो इफ़ यू आर अ प्रीपेड यूज़र, डू नॉट कैरी जस्ट योर सिम कार्ड, क्योंकि यहाँ पे नहीं चलेगा। लद्दाख के रीजन में, जम्मू कश्मीर के रीजन में, यू विल बी ओनली एबल टू यूज़ पोस्ट पेड सिम कार्ड। BSNL इज़ नंबर वन, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है। Airtel इज़ नंबर टू, Jio इज़ नंबर थ्री। तो अगर कोई आप आइसोलेटेड लोकेशन पर जा रहे हो तो BSNL वुड बी प्रीटी ग्रेट। बट अगर सिर्फ ले में घूमने का प्लान है तो ले के लिए Jio Airtel वुड बी डिसेंट प्लान। तो मैंने BSNL का सिम कार्ड नहीं लिया था। एंड दूसरी चीज़, ले में जब आप आओगे तो आपको उधर का आसपास का एरिया घूमने के लिए यू नीड टू हैव इनर लाइन परमिट। अगर आप अपने खुद के कैब से आ रहे हो, और अगर खुद के बाइक से आ रहे हो तो यू नीड द परमिट। बट अगर आप यहाँ के रेंटल कैब से जा रहे हो तो आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं। परमिट के लिए यू हैव टू गो ऑनलाइन। फॉर द परमिट यू कैन गो ऑनलाइन ऑन दिस वेबसाइट। उसमें क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। एंड मेरे को दो लोगों का पड़ा था 840 रुपीज़, जिसमें मैंने सारे लोकेशन सिलेक्ट कर दिए थे, हानले पैंगोंग सारी चीज़ें। तो इसका PDF कॉपी आपको मिलेगा, और PDF कॉपी आप फ़ोन में सेव रखना। जहाँ कहीं भी चेक पोस्ट है, जहाँ कहीं भी अगर वो लोग परमिट मांगेंगे तो यू कैन शो दम दैट PDF कॉपी एंड योर गुड। मैंने जितनी ये जगह फोटो में देखी थी, जितनी ये जगह वीडियो में देखी थी ना, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है, कई Langla Pass। We are about to reach Leh। हम लोग ने उपशी क्रॉस कर लिया, उपशी के बाद करू क्रॉस कर लिया, एंड अभी यहाँ से ले कुछ अराउंड 20 किलोमीटर्स है। टाइम जो है अभी कुछ 6:45 के आसपास हो रहा है। तो हम लोग सुबह को 4:30 बजे निकले थे, अभी 6:40 के आसपास पहुँचे। तो प्रीटी डिसेंट स्पीड, एंड लकीली वी एक्चुअली गॉट टू स्टॉप एट मोस्ट ऑफ द लोकेशन। तो सारी लोकेशन हम लोग देखते देखते आए। जहाँ पर मैं स्टे करने वाला हूँ, वो आंटी से मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, तो शी हैज़ सेट अप द रूम ऑलरेडी। टुडे इज़ ऑल अबाउट रेस्टिंग, एंड टुमारो वी विल बी एक्सप्लोरिंग द एंटायर Leh
रीजन, यहाँ के आसपास के जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो हम लोग देखेंगे, और सबसे पहले मॉर्निंग में बाइक लूँगा एंड आगे की पूरी जर्नी बाइक पे रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली ऑन अ हिमालयन. I'd like to end this video over here. I'll give you a room tour tomorrow. Let me know if you have any questions about anything in the comment section. Until then, cheers. If you have not subscribed to the channel already, please do for more such upcoming videos. Until then, cheers.